Hello student, this is Dr. Faizan Mirza. In this lecture, I'll be continuing with the male reproductive system. और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल इसमें हम कवर कर रहे होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट एक्चुअली इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक नई स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पीसीज सेम होता है, ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल नए प्रोड्यूस होंगे, और जो नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, वो इसलिए होंगे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनमें पास ऑन हो जाएगी, और गैमीट्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे दो एडल्ट इंडिविजुअल्स के, और जब नई जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसके बाद वो ग्रो अप होते हैं, और ग्रो अप होने के बाद उनमें गैमीट्स दोबारा प्रोड्यूस हो रहे होंगे अप्रोप्रिएट जेंडर बेस्ड गैमीट्स, मेल्स में स्पर्म्स, फीमेल में एग, एंड देन द गैमीट्स अगेन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अनदर सेट ऑफ जनरेशंस, दोबारा कंटिन्यू हो जाती हैं। और दिस इज हाउ दिस एक्चुअली प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन गोज ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक्चुअली द प्रोसेस मीन्स दैट इसमें आपने जेनेटिक मटेरियल पास करना होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन होती चली जाती है थ्रू जीन्स अकॉर्डिंग टू द जो जेनेटिक लीनिएज है उसके अकॉर्डिंगली। अब हम जब बात करते हैं गोनेट्स की, क्योंकि हम फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसकी बात कर रहे हैं तो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वी डिस्कस द टर्म गोनेट्स। गोनेट्स क्या होते हैं? गोनेट्स बेसिकली आपके वो रीजन्स हैं बॉडी में जहाँ पे ये गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम ये है जैसे गैमीट को प्रोड्यूस करना, स्पर्म सेल या ओवा प्रोड्यूस करना, और साथ साथ उन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना जो जेंडर के लिए रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है मेनली इन मेल्स बाय द टेस्टिस, और इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है इन द फीमेल्स मेनली बाय द ओवरीज। सो ये गोनेट्स का काम आ जाता है। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स के साथ साथ इसमें एक्सोक्रीन ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, और प्रोडक्शन में जब ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं गैमीट्स, उनके साथ कुछ फ्लूइड्स भी डिस्चार्ज हो रही होती हैं, और इसलिए जो गोनेट्स हैं उनको हम एक्सोक्रीन ग्लैंड्स में कंसिडर कर लेते हैं। तो और कुछ कुछ कंडीशन के अंदर हम इनको एंडोक्रीन ग्लैंड में भी कंसिडर करते हैं। एक्सोक्रीन ग्लैंड में हम उस वक्त कंसिडर करेंगे इनको या क्लासिफाई करेंगे जबकि अपने सिक्रीशन को ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को डक्ट्स में रिलीज कर रहे होंगे, और एंडोक्रीन हम इनको उस वक्त कंसिडर करेंगे जब ये अपने सिक्रीशन को हॉर्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्टोस्टेरॉन को, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं टू द ब्लड, ये इनका एंडोक्रीन फंक्शन है। बट एट द सेम टाइम अगर ये कोई और सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं इनटू द डक्ट्स तो ये एक्सोक्रीन ग्लैंड हो जाएंगे। द डक्ट्स क्या होती हैं हमारे पास? वो डक्ट्स वो हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, रिसीव करती हैं और स्टोर करती हैं गैमीट्स को। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होंगे जो के सपोर्ट करेंगे गैमीट्स को। ये जनरलाइज डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। फिलहाल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल पे जा रहे हैं। सो यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट मेल्स में कॉमन होता है, मींस यूरिनरी सिस्टम एंड द जेनाइटल सिस्टम दे हैव अ कॉमन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। थ्रू दैट द इजैकुलेट जो के सीमन होता है वो भी रिलीज होता है, यूरिन भी उसी से पास आउट होता है। पेयर्ड टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के साथ आपके पास ये एक ट्यूब्यूल है जो कि पास ऑन हो रही है, जो स्पर्म का रास्ता बनाती है कि वो बॉडी से बाहर आ सके, और फिर थ्रू यूरेथ्रा वो बॉडी से बाहर आ जाता है। इसमें जो हमने डिटेल्स देखनी है वो पेयर स्ट्रक्चर्स हैं टेस्टिस के, दे लाई इन द स्क्रॉटल सैक। उसके बाद हर टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस होता है, एपिडिडाइमस के साथ साथ पीछे वास एफरेंशिया होते हैं, ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जिनके साथ एपिडिडाइमस बनेगा बाद में, उससे पहले रेटी टेस्टिस है, आगे पढ़ेंगे इनकी डिटेल हम। फिर ये एक कॉर्ड बन जाती है, दिस इज कॉल्ड द वास डेफरेंस एंड देन जॉइंस टू द यूरेथ्रा। ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ग्लैंड हमें नजर आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल बेस के ऊपर हमें नजर आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है पूरे बेस पे, डोनट शेप का होता है, और दो पेयर या पेयर्ड ग्लैंड होता है सेमल वेसिकल, एक सेमल वेसिकल इस साइड पे, एक सेमल वेसिकल इस साइड पे। सो देयर इज अ ग्लैंड सेमल वेसिकल, देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड बर्बल यूरेथ्रा ग्लैंड। बर्बल यूरेथ्रा ग्लैंड भी पेयर्ड होता है। सो जस्ट लाइक पेयर्स ऑफ टेस्टिस वी हैव बर्बल यूरेथ्रा ग्लैंड एंड सेमल वेसिकल व्हिच आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, दो दो हैं, और प्रोस्टेट जो होता है वो एक सिंगुलर स्ट्रक्चर होता है। फोरस्किन वो पार्ट है जो ग्लांस पीनिस को कवर करता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे आते हैं तो ये डिटेल ऑल दो दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब इनफंडिबुलम से शुरू होती है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसका डायलेटेड स्ट्रक्चर जिसको एम्पिला कहते हैं, उसके बाद इस्थमस आता है। इस्थमस रीजन को फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करता है, दिस इज द कॉल्ड यूट्राइन फंडस, ये पूरी बॉडी है यूट्रस की।
और इसमें ही यूट्राइन कैविटी होती है। ये लाइनिंग जो यहाँ पे बन रही है, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम के पीछे जो मस्कुलर लाइनिंग है दैट्स कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम के बाहर पेरीमेट्रियम। पेयर्ड ओवरीज होते हैं, अगेन जिस तरह मेल्स में पेयर्ड टेस्टिस हैं, फीमेल में पेयर्ड ओवरीज हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गोनेट्स का फंक्शन क्या है हमारे पास। द यूट्रस देन एंड्स एट द सर्विक्स, सर्विक्स के बाद सर्वाइकल कैनाल आ जाती है, फिर वजाइना आ जाती है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नाउ गोइंग ऑन एंड कंटिन्यूइंग विद द डिटेल्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर हमने तीन पार्ट्स में इनको डिस्टिंग्विश करना है। एक सिस्टम ऑफ डक्ट्स है, एक ग्लैंड्स हैं और एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस पेयर्ड ओवल ग्लैंड्स हैं, 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। टेस्टिस पार्शियली कवर होता है सीरियस मेम्ब्रेन से, जिसको हम ट्यूनिका वजाइनालिस कहते हैं। ट्यूनिका वजाइनालिस जो है वो आउट पॉकेट करता है पेरिटोनियम से और डिसेंट जब टेस्टिस हुए होते हैं बिफोर बर्थ। इंटरनल, इसके इंटरनल ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर आपके पास डेंस वाइट फिब्रस कैप्सूल होती है कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजीनिया, और ये एक्सटेंड करती है इनवर्ड्स और सेप्टा बनाती है और डिवाइड करती है टेस्टिस को इनटू सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड लॉब्यूल्स। आगे देखेंगे हम लॉब्यूल्स किस तरह से होते हैं। सो अगर यहाँ पे डायग्राम पे हम लोकेट करना चाहें, सो ये हमें टेस्टिस दिख रहा है, ये हमारे पास ये पूरे जो स्किन है ये स्ट्रटल सैक हो गया, एंड यू कैन सी द सेमाइल वेसिकल हियर। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पीछे सेमाइल वेसिकल किस तरह से दिख रहा होता है, और आपके पास यूरेथ्रा के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर है, देयर इज द ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज लाइंग एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर हियर। और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है आपका, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड होता है, एंड वी हैव कवर्ड दिस। ये वाला पार्ट हो गया, इसमें इतनी डिटेल ही, अब इसको रिव्यू करेंगे आगे जाके जब डिटेल में आते हैं स्क्रॉटल सैक और टेस्टिस की, तो इसके स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। स्क्रॉटम है क्या? स्क्रॉटम आउट पाउचिंग है स्किन की, लूज स्किन है, सुपरफेशियल फेसिया होता है इसके अंदर। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के लिए। इंटरनली एक वर्टिकल सेप्टम होता है जो दोनों सैक्स को, जो इसके जिसको अंदर से दो सैक में डिवाइड करता है, दोनों सैक में एक एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। यू कैन सी दिस इज द स्क्रॉटल सैक, और स्क्रॉटल सैक के अंदर दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर हेड पे ये एपिडिडाइमस होता है, और एपिडिडाइमस के बाद ये वास्ट डिफरेंस जो अभी आप देखेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर ट्रेवल कर रही होती है। फर्दर ऑन जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो सेप्टम है जो ये डिवाइड कर रहा है स्क्रॉटम को, ये सेप्टम सुपरफिशियल फेशिया के साथ भी होता है, मसल टिश्यूज भी होते हैं। मसल टिश्यू को इसको हम डार्टॉस मसल कहते हैं। ये डार्टॉस मसल के अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये स्क्रॉटम के सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ कंटिन्यूस होते हैं। इनका मेन काम होता है स्क्रॉटल सैक की स्किन को रिंकलिंग देना। देन देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल कॉल्ड क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल ये स्मॉल बैंड ऑफ स्केलेटल मसल है, डार्टॉस स्मूथ मसल था। ये स्केलेटल मसल का एक बैंड है, और ये बैंड कंटिन्यूस होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स के साथ, और ये एलिवेट करता है टेस्टिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल या अगर एक्सपोजर टू कोल्ड हो जाए। यहाँ पे डायग्राम में यू कैन सी ये स्क्रॉटल सेप्टम है जो बीच से डिवाइड कर रहा है स्क्रॉटल सैक को इंटू टू पार्ट, वन टेस्टिस इन ईच। ये क्रीमास्टर मसल है, क्रीमास्टर मसल का हम देख चुके कि ये आपके टेस्टिस को ऊपर रेस कर सकता है, और डार्टॉस मसल जो है वो आपके पास कंटिन्यूस होता है स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ स्क्रॉटम। फिर आ जाती है हमारे पास ट्यूब्यूल्स, सो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे आते हैं। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? बेसिकली हमारे पास टेस्टिस के अंदर 200 to 300 लॉब्यूल्स होते हैं, और हर लॉब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 तक 1 to 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ देखें तो ये लॉब्यूल का स्ट्रक्चर है, दिस होल इज अ टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर आपको ये दिख रहा है ये जितने कंपार्टमेंट बन रहे हैं सारे कंपार्टमेंट लॉब्यूल्स हैं। इन लॉब्यूल्स के अंदर दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली दिस इज द लॉब्यूल, और ये लॉब्यूल की सेप्टम है, और इसके अंदर जो हमारे पास डिटेल्स आती हैं कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर हमें दिख रही है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ये पूरा स्ट्रक्चर है, 1 से लेके 3 तक होते हैं विद इन विद इन अ पर्टिकुलर लॉब्यूल। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं, और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्लस्टर्स के बीच में क्लस्टर्स होते हैं सेल्स के, जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइडिग बोला जाता है इनको। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइडिग हैं इनका काम है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है टेस्टिस से, सो बेसिकली इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ लाइडिग, एंड दीज लाइडिग सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारे पास जो लेयर्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टेस्टिस में ट्यूनिका वेजाइनालिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पीछे हमने नाम देख लिया था इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, कि आउटर जो है वो ट्यूनिका वेजाइनालिस है और जो इंटरनल है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और वही आपके पास टेस्टिस के इंटरनल पार्ट्स में इसके डिफरेंट पार्ट को लॉब्यूल्स में कनेक्ट करता है।
स्पर्मेटोकॉर्ड प्रेजेंट है। स्पर्मेटोकॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, और एज ऑलरेडी डिस्कस्ड ये पूरा पार्ट जो ऊपर बनेगा ये एपिडिडाइमस होगा। एपिडिडाइमस एपिडिडाइमस के बाद जो भी आपके पास ये दिस इज पार्ट इज कॉल्ड द हेड ऑफ एपिडिडाइमस, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमस है। इसके बाद ये पूरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द डक्टस वास डेफरेंस। आगे देखेंगे डक्टस वास डेफरेंस क्या होती है। लेट्स मूव ऑन। जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहाँ डायग्राम में स्पर्मेटोजेनेसिस आपको शोन है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से हो रही है ये हम यहाँ पर ये बात डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर इन दो स्लाइड्स के ऊपर। स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स हैं जो इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होते हैं। जब स्पर्म सेल बनता है तो स्पर्म सेल स्पर्मेटोजोन में कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर होने के बाद, और वो ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल में आ जाता है और फिर मूव करता है सीरीज ऑफ डक्ट्स के थ्रू। सीरीज ऑफ डक्ट्स कौन सी होंगी, यही जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आएगा, इससे इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रेटी टेस्टिस में जाएगा, रेटी टेस्टिस से निकलने के बाद ये एपिडिडाइमस में जाता है, एपिडिडाइमस से होता हुआ टेल ऑफ एपिडिडाइमस में आएगा, एंड देन फ्रॉम हियर इट गोज ऑन अहेड इनटू द वास डेफरेंस। दिस इज द रीजन जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और यहाँ से निकल के इन्होंने इस तरफ ट्रेवल करके बाहर जाना होता है। सो दैट्स हाउ दे मूव आउट फ्रॉम द टेस्टिस। एम्बेडेड बिटवीन द डेवलपिंग स्पर्म सेल्स कुछ ट्यूब्यूल्स में सस्टेंटिकुलर या सर्टिलाइज सेल्स होते हैं। सर्टिलाइज सेल्स का मेन काम क्या है, नरिश करते हैं स्पर्मेटोगोनिक सेल्स को। वो जो स्पर्मेटोगोनिक सेल्स मेच्योर हो रहे हैं उनको ये नरिश कर रहे होंगे। डायग्राम को देखते हैं, ये सस्टेंटिकुलर सेल नजर आ रहा है हमें। ये सस्टेंटिकुलर सेल्स जो होते हैं ये डिफरेंट, यहाँ पे जो हमारे पास स्पर्मेटोजोन है ये स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो बेसल लैमिना के साथ प्रेजेंट है। ये उसके बाद जब ये मेच्योर हो रहा होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा, फिर मैच्योरेशन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा, फिर और मैच्योर होगा तो स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, फिर उसी से स्पर्मेटोजोन बन जाता है। स्पर्मेटोजोन वो कंडीशन जिसमें अंदर स्पर्म के अंदर एक टिपिकल उसका स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें उसका हेड होगा, मिडिल पीस होगा और एक टेल होगी। इस पूरे फंक्शन में सर्टिलाइज सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोगेनिक सेल्स। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन एफएसएच के इफेक्ट्स को मीडिएट करते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी स्पर्मेटोइड का साइटोप्लाज्म होगा उसको फेगोसिटाइज कर लेंगे। फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, जिन फ्लूइड का काम ये होगा कि वो एंड्रोजेंस भी होंगे, उनमें ईस्ट्रोजन होगा, पोटेशियम होगा, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होगा, और इसके साथ साथ हार्मोन इनहिबिन भी प्रेजेंट होगा। इंटरनल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, टाइट जंक्शन होते हैं सर्टिलाइज सेल्स के साथ, और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर जो होता है वो आपके ब्लड और टेस्टिस के सेगमेंट में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने से बचा लेता है। यह ब्लड टेस्टिस बैरियर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर में जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते ब्लड से, इसी तरह जो आपके टेस्टिकुलर सेल्स हैं ये भी डायरेक्टली ब्लड से एक्सपोज नहीं हो रहे बिकॉज द ब्लड टेस्टिस बैरियर, वरना इम्यून रिस्पॉन्स इस पर आ जाता अगेंस्ट द सर्फेस एंटीजन जो कि स्पर्मेटोजोन पर प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल पे आते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन स्पर्म प्रोड्यूस होने में 74 डेज लगते हैं। 74 डे साइकिल होती है जिसमें एक मेल इंडिविजुअल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है ये डेवलप होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बाद। प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बाद मियोसिस के सारे प्रोसेस होंगे, साइनाप्सिस होगा। साइनाप्सिस में आपको आप रिकॉल कर सकते हैं, मियोसिस में आपने पढ़ा हुआ होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं मियोसिस 1 में, और उसके बाद जो चार पेयर्स चार जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, उनको हम टेट्राड बोल सकते हैं, और फिर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। ये होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर में क्रोमोसोम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं। इस पेयरिंग अप के प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं। फिर जो इसके क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर वो एक्सचेंज कर लेते हैं जिस पॉइंट पे वो एक्सचेंज कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्रॉसिंग ओवर कायाज्मा बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर हुई और ये कायाज्मा बना, दिस कॉल्ड एज कायाज्मा। ये क्रॉसिंग ओवर हुई, ये मियोसिस की डिटेल्स हैं। जिस वक्त सेगमेंट यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा तो न्यू एलील कॉम्बिनेशन बन जाती हैं। स्पर्मेटोजोन जब निकल जाता है और सेंट्रिकुलर सेल से रिलीज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। अगर यहाँ देखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉइड सेल है, माइटोसिस से वो डिप्लॉइड होके अपनी अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता है, फिर डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ये भी 2n का सेल है, डिप्लॉइड सेल है, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, इसके बाद ये मियोसिस 1 शुरू हो जाएगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिविजन। मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिविजन बोलते हैं। रिडक्शन डिविजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिडक्शन डिविजन में 2n के सेल से n का सेल बन रहा है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई मियोसिस 1 इज कॉल्ड द रिडक्शन डिविजन। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बन गए होंगे फिर ये मजीद आगे स्प्लिट होंगे, डिवाइड होंगे बाय मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज कम्प्लीटली सिमिलर टू माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह से होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, तो दो सेल हैं तो यहाँ पे चार सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और फिर इन ये सारे सेल्स स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। फिर
ये स्पर्मेटेड जो होते हैं ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और आपके पास स्पर्मेटोजोआन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, जिसपे स्पर्मेटेड आर कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआन, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस उस वक्त खत्म हो गया जिस वक्त स्पर्मेटेड्स बने। तो बेसिकली जब स्पर्म्स बन रहे होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर दो मेन पार्ट्स हुए, सबसे इनफैक्ट तीन हुए। एक तो सबसे पहले ग्रोथ हो रही है जिसके अंदर सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस से डिवाइड होता है ताकि अपनी कॉलोनी को मेंटेन रखे। सबसे पहले ये काम हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। इसके बाद मियोसिस शुरू हो जाता है, मियोसिस के बाद स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है जिसके अंदर जो स्पर्मेटेड मियोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो सके। ये वो स्पर्म सेल्स हैं जिनके अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 74 डेज लगते हैं। एक स्पर्मेटोजोआ की डिटेल की बात करें तो एक स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, अगर एक इजैकुलेट में रिलीज होने वाले स्पर्म्स को काउंट किया जाए तो 300 मिलियन पर डे आपके पास एक स्पर्म्स का प्रोडक्शन का रेट है, एज हाई एज 300 मिलियन पर डे। और जब ये स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं इनकी इजैकुलेट के अंदर, तो अबाउट 48 आवर्स टू 72 आवर्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। अगर एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ की बात करो तो उसके अंदर तीन मेन पार्ट्स हैं, हेड है, मिडिल पीस है, टेल है। अगर डायग्राम पे देखें तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द हेड। इसके अंदर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है और इसके अंदर वो एंजाइम्स हैं जो हाइलुरोनिडेज, प्रोटीनेज, जो एग की वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऊसाइट की वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली एक्रोसोम खुद एक लाइसोसोम है, एडवांस लाइसोसोम है, हाईली अडेप्टेड है, ऐसे एंजाइम्स कैरी करता है जिन एंजाइम्स के थ्रू एग की वॉल डाइजेस्ट हो जाती है और स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर चला जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। हेड के बाद मिडिल पीस आ जाता है, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया से फिल्ड होता है, बहुत माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एटीपी प्रोड्यूस करना। जितना एटीपी मिलेगा उतना ज्यादा स्पर्म आगे मोटिलिटी कंटिन्यू करेगा और मूव करेगा। उसके बाद लास्ट पीस टेल आ जाता है, टेल के अंदर ये पूरा एक फ्लैजिला है, फ्लैजिला के बाद फ्लैजिला में ही एंड पीस है, इसका मेन काम प्रोपेल करना है स्पर्म का ताकि स्पर्म स्विम कर सके। इसके बाद हम आ जाते हैं डक्ट्स ऑफ टेस्टिस के ऊपर। डक्ट्स ऑफ टेस्टिस में हम बात करते हैं डक्टिस एपिडिडाइमस की, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेमानीफेरस ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं। सेमानीफेरस ट्यूब्यूल्स लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये वही स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। ये आपको लॉब्यूल्स के अंदर यहाँ पे ये दिख रही हैं सेमानीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमानीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमानीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म निकलता है इट गोज टू द रेटी टेस्टिस, ये रेटी टेस्टिस का रीजन है। रेटी टेस्टिस के बाद यहाँ से आपके पास निकल के ये इफ्रन डक्टिव्स में आ जाता है, दीज रीजन आर द इफ्रन डक्टिव्स। इफ्रन डक्टिव्स इसको लेके एपिडिडाइमस में आ जाता है। एपिडिडाइमस एक ऑर्गन है पूरा जो टेस्टिस के ऊपर वाली साइड पे पॉसीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, नॉट एग्जैक्टली ऊपर वाला बट पॉसीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। पॉसीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, इसके एपिडिडाइमस के अंदर तीन मेन पार्ट है, हेड, बॉडी, टेल। दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी, दिस इज द टेल। तो जिस वक्त यहाँ से ये एपिडिडाइमस के अंदर स्पॉन्स आ जाते हैं, एपिडिडाइमस कॉमा शेप स्ट्रक्चर है, कॉइल ट्यूब है, इसका मेन फंक्शन क्या है, डक्टस एपिडिडाइमस भी बोलते हैं इसको। एपिडाइमस का मेन काम है ये स्पर्म मैचुरेशन की साइट है, ये 10 से लेकर 14 दिन तक स्पर्म को रख सकता है और जब तक स्पर्म फर्टाइल हो जाते हैं स्टोर करता है स्पर्मेटोजोआ का, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक रख सकता है मैचुरेशन के बाद। प्रोपेल करता है स्पर्मेटोजोआ का टूवर्ड्स द यूरेथ्रा क्योंकि इसके अराउंड मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो स्पर्म्स यहाँ से मूव होके आगे निकलना शुरू हो जाते हैं एंड दे गो टू द डक्टस डेफिनस। तो अगर यहाँ पे डक्ट्स की बात की जाए, सबसे पहले सेमानीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हुए, फिर वो रेटिटेस्टिस में चले जाते हैं, फिर इफ्रन डक्टिव्स में चले जाते हैं, फिर एपिडिडाइमस के हेड, टेल, हेड बॉडी टेल से होते हुए दे कम टू द डक्टस डेफिनस एंड देन दे मूव आउट। कहाँ जाते हैं इसके बाद, इसके बाद ये जाएंगे यूरेथ्रा से और उसके बाद बॉडी से बाहर। इसके बाद हम आते हैं डक्ट्स ऑफ टेस्टिस को कंटिन्यू करते हैं, डक्टस वास डेफिनेंस पे आते हैं। डक्टस वास डेफिनेंस कौन सी डक्ट है, यही वाली डक्ट जो एपिडेमिस से कंटिन्यू हो रही है। अब हम इसकी डिटेल पे जा रहे हैं। डक्टस डेफिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको वास डेफिनेंस भी बोला जाता है, इसको सेमाइनल डक्ट भी बोला जाता है या सिर्फ डक्टस डेफिनेंस भी बोला जाता है। ये भी स्पर्म को स्टोर करती है और एपिडेमिस से स्पर्म्स को लेके जाती है टू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग एमिशन। मेन काम क्या है, डायलेटेड पार्ट है वेस डिफरेंस का, इसका नाम एम्पिला होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसके साथ, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है, ऑटोनॉमिक नर्व्स प्रेजेंट होती है, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है, ये वो वेन्स है जो टेस्टिस में ब्लड ड्रेन करते हैं टेस्टिस से, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, क्रीमास्टर मसल्स होते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है ये हमारे पास इंग्विनल रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। इतनी एनाटॉमिकल डिटेल में हम जाने की मेरे ख्याल में डिटेल की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल लेट्स मूव ऑन।
इस इंग्विनल रिंग के बारे में बताया हुआ है, वी कैन आई गेस मूव ऑन फ्रॉम हियर। इजेक्युलेटरी डक्ट पे पहुंचते हैं। इजेक्युलेटरी डक्ट बेसिकली क्या है? इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर होती है। इजेक्युलेटरी डक्ट आपके सीमेनल वेसिकल्स और डक्टस डेफरेंस के यूनियन से बनती है। तो यहाँ पे आपको इजेक्युलेटरी डक्ट दिख रही है, दिस इज द इजेक्युलेटरी डक्ट। ये किस तरह से हो रहा है? ये आपके पास फ्रॉम द टेस्टिस स्पर्म्स आए, ये मैंने यहाँ एरोज शो किए हुए हैं बताने के लिए कि द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस दे आर रिलीज और ये आ जाएंगे एपिडिडाइमिस से। दिस इज द एपिडिडाइमिस, यहाँ से निकल के आ जाएंगे तो वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस से होते हुए, वास डेफरेंस को डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं। ये यहाँ से पास ऑन होते हुए ब्लैडर के पीछे से होते हुए ये आपके पास आ जाएंगे इनटू द इजेक्युलेटरी डक्ट। जब इजेक्युलेटरी डक्ट में आ जाएंगे तो इजेक्युलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा में एंटर हो जाएंगे और यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रा के और मीटस या यूरेथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर चले जाएंगे। जब स्पर्म यहाँ से पास ऑन हो रहा होगा तो ये जो ग्लैंड हैं आपके, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी आ जाता है, सीमेनल वेसाइकल ग्लैंड आ जाता है और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड आ जाता है, ये अपने सिक्रीशंस इसी स्पर्म्स के सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हैं, मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं। सो वो जो स्पर्म ट्रेवल करते हुए आ रहे थे उनके अंदर ये फ्लूइड्स ऐड हो जाती हैं, सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, द सीमेनल वेसाइकल एंड द बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड एंड दे पास ऑन टू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा की अगर बात करते हैं तो यूरेथ्रा वो जो ओपनिंग है, जो पैसेज वे है इजेक्युलेटरी डक्ट के बाद, इसके तीन पार्ट्स हैं। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास हो रही है, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है जो दरमियान में यहाँ से गुजर रही है, उसी कंटिन्यूएशन है, एंड लास्ट यू हैव द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा के भी तीन पार्ट्स हैं। उसके बाद दिस इज द पाथवे जिसके पैसेज वे के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया कि यूरेथ्रल ऑरिफिस से स्पर्म्स बाहर चले जाते हैं। मेल्स में इसी ट्रैक को यूरिनो जेनाइटल ट्रैक बोला जाता है बिकॉज ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिन को भी पास आउट करवाता है और सीमेन को भी पास आउट करवाता है। दिस इज वाई इन मेल्स वी हैव अ यूरिनो जेनाइटल ट्रैक। द यूरिनरी ट्रैक एंड द जेनाइटल ट्रैक बेसिकली फॉलो द सेम पैसेज वे टू रिलीज द सिक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी। एक्सेसी ग्लैंड एंड सीमेन की बात करते हैं। सीमेनल वेसिकल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पेयर्ड ग्लैंड है, ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे साइड में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड। इस अल्कलाइन फ्लूइड का काम ये है कि न्यूट्रलाइज करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव फैट की एसिडिटी को। विस्कस फ्लूइड होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होगा ताकि एटीपी प्रोड्यूस करवाया जा सके स्पर्म से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, इसके अंदर वो स्पर्म मोटिलिटी को मेंटेन करते हैं, वायबिलिटी रखते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के मसल कॉन्ट्रेक्शन को। इसका फिब्रिनोजन होता है जो कोगुलेशन करता है सीमेन की आफ्टर इजैक्युलेशन। तो बेसिकली ये तीन काम है जो हमारे पास हो रहे हैं फ्रॉम द सिक्रीशंस ऑफ द सीमेनल वेसिकल। जब हम बात करते हैं सीमेनल वेसिकल की, तो सीमेनल वेसिकल एज गुड एज 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन प्रोड्यूस करवा रहा है। फिर प्रोस्टेट पे आता है, ये सीमेनल वेसिकल था जो ऑलरेडी हमने कवर लिया, पेयर्ड ग्लैंड जब सिक्रीशन को ऐड कर देता है इनटू द इजेक्युलेटरी डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड पे आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो डोनर शेप ग्लैंड है, एक ही ग्लैंड होता है एट द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्लैडर एंड द अपर पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा। प्रोस्टेट जो होता है ये सिक्रीट करता है स्लाइटली मिल्की एसिडिक फ्लूइड। ये वो वही ग्लैंड है जो एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है, वरना सारे ग्लैंड जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है वो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो ये एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट करता है, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं सच एज एसिड फॉस्फोलिपेज, क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट है जो फिब्रिनोजन को कॉगुलेट कराते हैं, फिब्रिनाइज फिब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट है जो लिक्विफाई कर देता है फिब्रिनोजन क्लॉट को अबाउट 5 to 20 मिनट्स आफ्टर इजैक्युलेशन। सो जिस वक्त इजैक्युलेट रिलीज होता है, उस इजैक्युलेट में जितना सीमेन रिलीज होगा वो सीमेन जो होगा वो सबका सब कॉगुलेट कर जाता है, कॉगुलेट कर जाता है बिकॉज ऑफ द फिब्रिनोजन। बट उसके 5 से 20 मिनट के बाद जब वो क्लॉटिंग उसकी खत्म होती है, वो क्लॉटिंग खत्म क्यों होगी? क्लॉटिंग इसलिए खत्म हो जाती है सीमेन की इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, क्योंकि जो सीमेन होगा वो लिक्विफाई हो जाता है बाय दी अदर केमिकल फिब्रिनोलाइसिन। उसके बाद वो स्पर्म जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आगे मूव करना शुरू होते हैं ताकि आगे जाके वो फ्यूज हो सके। दोबारा इन ग्लैंड की लोकेशन देख लेते हैं, ये सीमेनल वेसिकल्स शो किए हुए हैं आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया और प्रोस्टेट ग्लैंड दिस इंटायर स्ट्रक्चर द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दीज आर द कॉपर ग्लैंड नियर एंड इसके बीच में से जो यूरेथ्रा पास हो रही है ये यूरेथ्रा का पैसेज वे है जो आगे जाके स्पॉन्ज यूरेथ्रा में के साथ ज्वाइन हो जाता है। एक्सेसी सेक ग्लैंड एंड सीमेन की बात करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उसी बात को। प्रोस्टेट ग्लैंड 25% ऑफ द टोटल सीमेन वॉल्यूम ऐड करता है। फिर आ जाता है बल्बो यूरेथ्रा और कॉपर ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बीनीथ होता है, दोनों साइड पे पेयर में होता है, एक तरफ और एक तरफ दो, तो टोटल ऑफ टू। सो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये रहे बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, पेयर ग्लैंड है जैसे सीमेनल वेसिकल है। काम क्या है इसका? इसका काम है अल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करना। जो अल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करता है वो प्रोटेक्ट करते हैं स्पर्म को अगेन एसिडिक एनवायरनमेंट से बट ऑफ द यूरेथ्रा।
इसके साथ साथ म्यूकस लुब्रिकेट करता है लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा को, स्पर्मेटोजोआ इंजरी की इंजर्ड ना हो इस इजैकुलेट होते हुए, इससे प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस लुब्रिकेट करता है एंड ऑफ पीनिस को भी ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। जब सीमेन रिलीज हो जाएगा तो सीमेन में सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स की एवरेज वॉल्यूम 2.5 to 5 ml होता है, विद सम 50 to 150 million स्पर्म्स पर मिलीलीटर ऑफ एन इजैकुलेट। सो दैट्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्पर्म व्हिच आर रिलीज्ड इन वन इजैकुलेशन। स्पर्म्स खुद क्या सिक्रीट करते हैं? स्पर्म्स खुद भी सिक्रीट करते हैं हाइलुरोनिड एज अ प्रोटीन, है तो पीछे डिस्कस किया था, ये एक्रोसोम से रिलीज होते हैं। एक्रोसोम वो स्पेशलाइज लाइसोसोम है जो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, ये ओवम की जो कवरिंग है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। स्पर्म जो ये सिक्रीशन रिलीज कर रहा है, इसमें अगेन पीएच स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.20 to 7.60। ऑलरेडी बात थोड़ी पहले डिस्कस की थी कि प्रोस्टेट इज द ओनली ग्लैंड जो आपके पास एसिडिक सिक्रीशन रिलीज करता है, वरना मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हर जगह अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट हो रही होती। सीमेन फाइनली एंटीबायोटिक भी कैरी करता है जिसका नाम सेमाइलोप्लाज्मिन है, जो सर्टेन बैक्टीरिया को किल कर सकता है। लास्ट पार्ट हमारे डिटेल स्ट्रक्चर का आ जाता है, पीनिस। जब हम पीनिस की बात करते हैं तो पीनिस बेसिकली क्या है? एक सिलिंड्रिकल शेप है, इट्स कंसिस्ट ऑफ बॉडी, रूट एंड ग्लांस। पीनिस ये तीन पार्ट्स हैं इसके, और इसका मेन काम क्या है? इंट्रोड्यूस करना स्पर्म टू द वजाइना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रिसेप्टिकल, ये वजाइना का रिसेप्टिकल है। द बॉडी ऑफ पीनिस कंपोज्ड ऑफ थ्री सिलिंड्रिकल मासेस, तीन मासेस है इसके अंदर, जो के जिनके अराउंड फिब्रस टिश्यू है जिसका नाम ट्यूनिक एल्बुजिनिया है। कौन से तीन मासेस हैं ये? अगर ना देखें तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, दो सिलिंड्रिकल मासेस होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के, और उसके अंदर एक मिडिल में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम्पिनिस होता है। सो देर आर अ टोटल ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स हियर, टू डॉर्सल लेटरल मासेस ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा पीनिस, और उसके मिड में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। उसके ये इंक्लूड हुए होते हैं स्किन ऑफ एशिया के अंदर, वेस्कुलर चेंजेस पीनिस के अंदर होते हैं जिससे इरेक्शन हो सकता है। इरेक्शन बेसिकली इज अ पैरासिम्पेथेटिक रिफ्लेक्स, और इजैक्युलेशन जब होता है विच इज प्रोपल्शन ऑफ सीमेन फ्रॉम द यूरेथ्रा टू द एक्सटीरियर, दिस बेसिकली इज अ सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स। रूट ऑफ पीनस, रूट ऑफ पीनस कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वो पीनस का स्ट्रक्चर है जो कि अटैच हुआ है विद द बॉडी। ये रूट ऑफ पीनस जो होता है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ बल्ब, दिस इज द बल्ब ऑफ पीनस, और इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रूडा कहते हैं या क्रस्ट ऑफ पीनस कहते हैं। ये सेपरेट करता है टेपर पोर्शन ऑफ कॉर्पोरस कैवर्नोसा पीनस, ये वो वाला पार्ट है जहाँ से जिसकी बात हो रही है क्रूडा की। डिस्टल एंड जो पीनिस का होगा द ऑपोजिट एंड वेयर द पीनिस एंड, दिस इज बेसिकली इज द रीजन जिसके अंदर एक्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ग्लांस पीनिस बनता है, दिस इज द ग्लांस पीनिस स्ट्रक्चर। ग्लांस पीनिस वो पार्ट है जहाँ पे पीनिस एंड हो रहा होता है, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस है विच इज द ओपनिंग जिसके थ्रू कोई भी कॉन्टेंट बी इट यूरिन या बी इट सीमेन वो यहाँ से रिलीज होगा। ये बीच में से जो पैसेज पास ऑन हो रहा है ये पूरा स्पॉन्जी पिनाइल यूरेथ्रा है। जब यहाँ से सीमेन पास ऑन होता है सो दिस गोज आउट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम दिस पार्ट। ग्लांस पीनिस के अराउंड में दिस इज द दिस दिस क्राउन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरोना, ये ग्लांस पीनिस आ गया। ये इसके ऊपर प्रोप्यूस लगा हुआ है, प्रोप्यूस जो होता है ये फोर स्किन होता है, और ये फोर स्किन वही है जो सर्कमसिजन के वक्त, सर्कमसिजन में अगर मेल्स में सर्कमसिजन करवाई जाती है तो सर्कमसिजन में यही वो फोर स्किन है जो कि रिमूव की जाती है, और ये माइनर सर्जरी के थ्रू रिमूव हो जाती है इन अर्ली चाइल्डहुड। इसके एडवांटेज क्या होता है अगर ये सर्कमसिजन करवाते हैं? एडवांटेज ये होता है कि ये जो गैप बन रहा है बिटवीन द पर्प्यूस फोर स्किन और ग्लांस पीनिस के बीच में एक माइन्यूट गैप बन रहा होता है, अगर यहाँ पे ये गैप इस गैप दिस दिस बेसिकली इज अ वल्नरेबल रीजन जहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो हो सकते हैं, इट कैन लीड टू यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज वेल एज द इन्फ्लेमेशन इन द पीनिस। सो अगर ये फोर स्किन रिमूव कर दी जाती है सो दिस फोर स्किन गेट्स रिमूव, ये जो गैप होता है इनके बीच की ये जगह खत्म हो जाती है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या चांसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है। हार्मोन ऑफ ब्रेन टेस्टिकुलर एक्सेस, दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर। हमारे पास पूरा ये प्रोसेस जिसके अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन, ये किस तरह से मेंटेन होता है? टेस्टोस्टेरोन हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल क्लाइटेस को मेंटेन करता है। मेल्स में किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है? हाइपोथैलेमस बीइंग द मास्टर ग्लैंड वो रिलीज करेगा जीएनएचआर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में गोनेडोट्रॉफ वो सेल्स हैं जो स्टिमुलेट हो जाएंगे। गोनेडोट्रॉफ सेल्स एफएसएच और एलएच सिक्रीट करेंगे, जो एफएसएच और एलएच हैं इनका मेन काम है एफएसएच इनिशिएट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को और एलएच स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन को। इससे हमें ये पता चलता है कि एफएसएच के टारगेट सेल दूसरे हैं और एलएच के टारगेट सेल दूसरे हैं।
एफएसएच के टारगेट सेल्स सस्टेंटिकुलर सेल या सर्टोलाइज सेल्स है जो सेमानिफेरस टिब्यूल में प्रेजेंट है। थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि सेमानिफेरस टिब्यूल में ही वो रीजन है जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो जिस वक्त अपने ये हार्मोन एफएसएच आके अपने रिसेप्टर से अटैच होता है तो सर्टोलाइज सेल्स के अंदर जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है और स्पर्म्स यहाँ पे मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम एलएच जो होगा जब वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लाइडिक से, सो वहां से वो टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करवा देगा। ये टेस्टोस्टेरॉन फर्दर इनहांस करता है इस पूरे मैकेनिज्म को। टेस्टोस्टेरॉन जब एक्ट करता है वो सस्टेंटिकुलर सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर उसकी टारगेट साइट होती है, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सर्टोलाइज सेल्स। टेस्टोस्टेरॉन मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ कंटिन्यू कराता है। टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट हो सकता है इनटू डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। इनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स करवाता है, एक्सप्रेशन ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है उनको करवाता है। एनाबॉलिज्म प्रमोट करता है मेल प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट वाज प्रीटी मच द डिटेल रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप दिस लेक्चर वाज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।